सरकार ने इंदिरा आवास योजना बनाई ताकि गरीबों को रहने के लिए पक्का मकान मिल सके, परंतु संत रविदास नगर भदोही जिला के सदोपुर गांव में प्रमीला सहित 70 परिवारों को अब तक आवास नहीं मिला। मैं केसा देवी, यह है मेरा समुदाय। हमारा समस्या यह है मैडम जी कि घर द्वार गिर गया भी है, मड़ई बा है, अब एमन कितना जने रहेंगे, रहे बहुत परेशानी बा है, वो बरसाती डाला रहा वो फट सट गया बा है, मड़ई बा वो पानी बरसे आनी है तो वो चूहे खाना ना बना सके, भूखे रही गदेला छोटे छोटे। आप क्या काम करती हैं? हम का काम करें मैडम जी, यह मजूरी धुदूरी करी थी। आपने आवास के लिए कोई प्रयास किया? हाँ, हमारे बूढ़ा जी गई थी, अरे प्रधान किया और आवास देते नहीं हैं। हम चाहे थे मैडम जी हमारे उसमें की काखी आवास मिल जाए, आवास मिल जाए तो मन रही गदेला बच्चा हम उसमें रहा। हमारे घर में बहुत परेशानी बा है, घर द्वार कुल कच्चा मकान टूटा फूटा बा है, ओके बदे वास बदे माने हर जगह माने प्रधान के लगे दब दौड़िया मगर के सुनाई नहीं देता, और हर एक चीज बनी मजूरी करके हम लोग कितना माने बनाए कुछ भी नहीं बन रहा है, हर तरह से परेशानी होता है। कितना परिवार है अपने, 14-15 परिवार है, फिर भी कुछ भी नहीं है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, कहाँ कहाँ दौड़ के जाए, 5 प्रधान बदल गए फिर भी नहीं बनता है। हम यही चाहते हैं साहब की मैडम की हमारा लोग का घर द्वार तो कुछ तो बन जाए, हम लोग कितना दिन ऐसे माने टूटा फूटा घर में रहेंगे। हम सोचते हैं कि यही कुछ मदद हो जाए सरकार की तरफ से तो हमारा कुछ गुजर सफर हो जाए। हमारे समय सब हमारे रहे के ठिकान ना है, न घर द्वार ना है, न कॉलोनी ना मिल सका था हमें लोग के। आप क्या काम करती हैं? कुछ ऐसे खेती बाड़ी करी थे, ऐसे मजूरी करके खाद नहाते है, ये घर द्वार चुहत बहाते कुल गिरत पड़ता है, वह कॉलोनी चाहत है कि हमारे संग मिल जाए, तुम्हारे संग जीवन उपाय हो जाए। प्रधान के लगे कहन कहा तो है लोग के उतई ना ही न बड़वारन के देते हैं, हमें लोग के वो ना ही देते हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को इंदिरा आवास मिले ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-56-28 पर दबाव डालकर हमारी मदद करें ताकि इनको आवास मिल सके। मैं केसा देवी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।